जय हिंदुस्तान दे माकरम। ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप के ठीक पहले इंडियन क्रिकेट टीम में फिर से वही जान आ गई है, शायद जिस जान को वर्ल्ड कप के लिए होना भी चाहिए। मतलब आप कल का ही मैच देख लीजिए, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा थे नहीं। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो सिराज नंबर वन बॉलर अभी दुनिया के वो भी नहीं थे, जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे। उसके बावजूद भी कल टीम इंडिया ने जिस प्रकार की क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि टीम इंडिया शायद वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छे से तैयार है। इवन ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या की भी सर्विसेज नहीं मिली, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इंडिया की सिर्फ टीम ही नहीं बल्कि बेंच स्ट्रेंथ भी इस समय वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। कल टॉस हारने के बावजूद भी इंडिया ने जिस तरीके की बल्लेबाजी दिखाई और फिर गेंदबाजी से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो वाकई में काबिले तारीफ था। अब ऐसे में कल के मैच में क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से टीम इंडिया एक बार फिर से नंबर वन पे अपनी पोजीशन को सॉलिड करके बैठ गई है, और आपको ये भी बता दूं कि ऐसा करने वाली वो मात्र दुनिया की दूसरी टीम, तो आपको भी जानकर हैरानी नहीं होगी। दरअसल वनडे वर्ल्ड कप 2023 से ठीक पहले भारतीय टीम ने अपना दमदार प्रदर्शन दिखा दिया है। पहले उसने एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया और अब ऑस्ट्रेलियाई टीम को वनडे सीरीज में रौंद दिया है। एशिया कप और मौजूदा वनडे सीरीज में भारत की बैटिंग और बॉलिंग ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है ना, वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की बैटिंग और बॉलिंग ने अपना टॉप गियर लगा दिया। यदि ऐसा ही शानदार प्रदर्शन वर्ल्ड कप तक जारी रहा तो कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम अक्टूबर नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप को अपने ही घर में एक बार फिर से जीतने का काम करके दिखाने वाली। वहीं भारतीय टीम के लिए एक और अच्छी बात यह भी सामने आई कि सीरीज का पहला मैच जीतकर टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर वन पे पहुंच गई थी, मगर सीरीज जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने अपना यह स्थान और भी ज्यादा पक्का कर लिया है। यानी अब वर्ल्ड कप से पहले कोई भी भारतीय टीम को नंबर एक के जगह से हटा नहीं पाएगा। अब भारतीय टीम वर्ल्ड कप में बतौर नंबर एक वनडे टीम ही उतरने वाली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले भारतीय टीम की वनडे रैंकिंग में 115 रेटिंग पॉइंट्स थे और वो दूसरे नंबर पर काबिज थी, मगर अब सीरीज जीतने के साथ ही टीम के 117 पॉइंट्स हो गए। अब पाकिस्तान के 115 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वो दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलियाई टीम तीसरे नंबर पर फिसल चुकी है। भारतीय टीम से सीरीज हारने के बाद उसे तगड़ा नुकसान पहुंचा है। उसके कंगारू टीम के 110 रेटिंग पॉइंट्स हैं। भारतीय टीम अभी तीनों फॉर्मेट में नंबर एक पर है। भारतीय टीम इस समय वनडे और टेस्ट के साथ साथ टी20 में भी नंबर वन पर बैठी हुई है और ऐसा करने वाली वो दूसरी टीम है। दरअसल अगर हम पुरुष क्रिकेट की बात करें तो इससे पहले 2012 की अगर हम बात करें तो इस समय दक्षिण अफ्रीका की टीम ने यही उपलब्धि हासिल करी थी। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे मैच इंदौर में रविवार को खेला गया था, मतलब कि कल, जिसमें कि भारतीय टीम ने 99 रनों से एक बड़ी जीत दर्ज करी। पहला मुकाबला 5 विकेट से इन्होंने अपने नाम किया था, दूसरा मुकाबला भी जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी बना ली। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 27 तारीख को राजकोट में खेला जाएगा और रन तो वहां भी बरसते हैं। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया जो कि गलत साबित हुआ। पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 399 रनों का तूफान सा स्कोर खड़ा कर दिया। टीम की तरफ से 2 शतक लगे। श्रेयस अय्यर ने 105 और शुभमन गिल ने 104 रनों की धुआंधार पारी खेली। इसके अलावा सबसे ज्यादा धूल तोड़ाई सूर्य कुमार यादव ने, मात्र 35-37 कुछ बॉलों में 72 रन ठोक डाले, जबकि कप्तान केएल राहुल ने 52 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने भी शतक मारा, हालांकि उन्होंने बॉलिंग से शतक मारा और 2 विकेट लिए और अपने 10 ओवरों में 100 रन पड़वा दिए। इसके अलावा जोश हेजलवुड और चीन हैबॉट साथ रब जंपा ने भी 1-1 विकेट लिए। इंदौर के मैच में कंगारू टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने 9 रनों पर ही प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों दोनों विकेट गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया टीम 9 ओवर में 2 विकेट पर 56 रन बना पाई थी कि बारिश ने भी दखल दे दी। मैच को रोका गया और उसके बाद डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार मैच में 17 ओवर कम कर दिए गए। यानी ऑस्ट्रेलिया को अब 33 ओवर में जीतने के लिए 317 रनों का टारगेट मिल गया था। यहां से टीम पर लगातार दबाव बनता गया और कंगारू टीम इससे कभी निकल नहीं पाई। इसके बाद पूरी टीम 217 रनों पर ही ढेर हो गई और मैच के साथ साथ सीरीज को भी गंवा दिया। टीम के लिए सीन एबॉट ने 54 और डेविड वार्नर ने 53 रनों की पारी खेली। भारत के लिए अश्विन और जडेजा ने 3-3 विकेट झटके, तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 2 विकेट लिए। अब देखना यह होगा कि टीम इंडिया आखिरी वनडे